हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस पर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टूडेंट इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमारे दो टॉपिक हैं ये है एल्कोहल डाइल्यूशन और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एलिगेशन मैथड के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं एल्कोहल डाइल्यूशन की, तो अगर हमें कोई एक एल्कोहल दिया गया है और उसको हमें डाइल्यूट करके उससे कम स्ट्रेंथ के एक एल्कोहल को अगर प्रिपेयर करना है, तो उस कंडीशन में हम एल्कोहल डाइल्यूशन के मेथड को यूज करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं अबाउट द एलिगेशन मेथड, तो वहां पे हमें दो या दो से अधिक, या आप कह सकते हैं एक या एक से अधिक, अगर हमें एल्कोहल या कोई ऐसी प्रिपरेशन वो दी गई है जो कि सेम है बट उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अगर अलग अलग है, तो उस कंडीशन में हम एलिगेशन मेथड को यूज करके उनको आपस में मिक्स करके एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का एक एल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, या जो भी हमारी प्रिपरेशन है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द एल्कोहल डाइल्यूशन। तो इसमें जो हमारा फार्मूला है, अगर हम बात करते हैं फार्मूले की, द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रांग एल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम हमको बनाना है। उसके बाद है परसेंटेज रिक्वायर्ड, मीन्स कितने परसेंट का एल्कोहल हमें प्रिपेयर करना है। और उसके बाद है परसेंटेज यूज्ड, तो कितने परसेंट का एल्कोहल हमें यूज करना है या कितने परसेंट का हमको एल्कोहल दिया गया है। तो इस फार्मूले को यूज करके हम लोग आसानी से अपने डाइल्यूट एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो हमारा फार्मूला है एक बार फिर से देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन द परसेंटेज यूज्ड। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% एल्कोहल। तो इस प्लेस पे जो हमको एल्कोहल दिया गया है वो कितना है, 95% का एल्कोहल हमारे पास है और एक हमें 45% का एल्कोहल प्रिपेयर करना है जिसका कि जो वॉल्यूम है वो 400 ml होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे जो एक तरह से बेसिकली इस चीज़ को कैलकुलेट करना है कि हम कितना वॉल्यूम 95% एल्कोहल का लें और उसको हम वाटर से, प्यूरिफाइड वाटर से डाइल्यूट करें 400 ml तक, तो जो एल्कोहल हमारा प्राप्त हो वो 45% का एल्कोहल हो। तो हम वो सिंपली इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा है वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम हमको बनाना है। तो ये हमारा दिया गया है 400 ml हमको बनाना है, तो यहाँ पे ये 400 हो जाएगा इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड, कितने परसेंट का एल्कोहल हमको प्रिपेयर करना है। तो 45% का एल्कोहल हमको प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 45 अपॉन कितने परसेंट का एल्कोहल हमको दिया गया है, मतलब हमारे पास 95% का एल्कोहल है, इसी को यूज़ करके हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 95। तो जब हम इसको करते हैं कैलकुलेट, तो ये आपका हो जाएगा, अगर इसको हम लोग जो है वो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं मतलब 5 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 19। तो हम इसको ये कह सकते हैं ये हो जाएगा वो 3600 अपॉन 19। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसानी से इस चीज़ को जो डिटरमाइन कर लेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 189 एंड वो समथिंग, ये जो आएगा आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिएगा, या हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 190 ml। अगर हम 95% का एल्कोहल लेते हैं और इसको डाइल्यूट करते हैं विद प्यूरिफाइड वाटर और इसका वॉल्यूम 400 ml अगर हम जो है वो कर देते हैं, तो हम इस चीज़ को वो कहेंगे कि जो हमारा एल्कोहल अब बनेगा वो हमारा उसकी स्ट्रेंथ 45% की होगी, 45% की होगी और उसका जो आपका वॉल्यूम है वो 400 ml का होगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे दूसरे मेथड जो कि है एलिगेशन मेथड के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं एलिगेशन मेथड की, तो अगर हमें दो अल्कोहल या कोई भी दो सेम प्रिपरेशन अलग अलग कंसंट्रेशन की दी गई हैं और उनको यूज़ करके हमको एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का एक प्रिपरेशन अगर प्रिपेयर करना है, तो उस कंडीशन में हम एलिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा अल्कोहल है उसका कितना पार्ट हम आपस में ऐड करें कि हमें एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ जो कि हमारी है रिक्वायर्ड परसेंटेज उसका अल्कोहल हमें अचीव हो जाए। तो इसमें अगर हम देखते हैं फार्मूले को, जो हमारी ट्रिक है उसको हम लोग देखते हैं, तो स्ट्रॉन्गर जो हमारा अल्कोहल है उसको हम अपने आप कह सकते हैं कि जो है लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखते हैं और उसके जो है उसके अनुसार हम इस साइड शिफ्ट होते हैं, वो जितना हमारी कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो उस साइड रहेगा आपका स्ट्रॉन्गर जो अल्कोहल है, इस साइड वीकर अल्कोहल रहेगा, बीच में हम वो लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज कितने परसेंट का हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद में अगर आप इस साइड आएंगे तो जो आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज है माइनस जो आपकी वीकर परसेंटेज है वो हो जाएगा, और अगर आप इस साइड आते हैं तो जो आपकी स्ट्रॉन्गर है परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड वो परसेंटेज आपका हो जाएगा, और इसको हम लोग आसानी से इस तरह से एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें और ये जो आपका टॉपिक है, ये जो कैलकुलेशन है, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को याद करने की वो कोशिश करेंगे कि किस तरह से एलिगेशन मेथड को यूज़ करके हम अपने जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया तो आप आसानी से अपने उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 70%, 60% एंड 30% अल्कोहल शुड बी मिक्स्ड टू गेट 500 ml ऑफ 50% अल्कोहल। तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक अल्कोहल आपको 70% का दिया गया है, एक 60% का दिया गया है और एक 30% का दिया गया है, और इन तीनों को आपको यूज़ करना है और आपको एक 500 ml का 50% का अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो इस प्लेस पे आपको तीन अल्कोहल दिए गए हैं और आपको उनको मिक्स करते हुए एक 50% का 500 ml का आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी जो आपके अल्कोहल जो दिए गए हैं वो अगर ऑड नंबर में है, वो आपका 1 है, 3 है, 5 है, तो उस कंडीशन में हम उसके साथ में वाटर को ऐड कर देते हैं और उसको इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर आपको अल्कोहल जो है इवन में दिए गए हैं लाइक 2, 4, 6, तो उस कंडीशन में आपको वाटर को ऐड नहीं करना है। तो आइए इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो एक अल्कोहल जो इस साइड है हम लोग जो स्ट्रॉन्गर होगा वो रखेंगे और उसके बाद में वो धीरे धीरे हम लोग इस साइड शिफ्ट होंगे। तो जो हमारा पहला अल्कोहल है वो है 70% का, उसके बाद जो हमारा दूसरा अल्कोहल है वो है 60% का, तीसरा अल्कोहल है हमारा ये है 30% का, और ये आपका ऑड में है तो इसमें हम वाटर को ऐड कर देंगे, एक हम अल्कोहल को ऐड कर देंगे, मीन्स जो हमारा वाटर है उसको ऐड करेंगे और वाटर में अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो 0% होगी। तो अब हमें कितना प्रिपेयर करना है, तो ये आपका आ गया 50 हमको प्रिपेयर करना है। तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से आपको इसमें तीर प्रिपेयर करने हैं और इससे आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग वो देख लेते हैं। तो जो आपका हायर है उससे जो लोअर है उसको आपको माइनस करना है, वो सिंपली आपको ये चीज़ देखना है। तो अगर इस साइड देखें 50 माइनस 0, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 माइनस 0 और ये हो जाएगा 50। उसके बाद में अगर इसमें देखें तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 30, ये आपका 20 हो जाएगा। इस प्लेस पे अगर देखें तो 60 माइनस 50, ये आपका 60 माइनस 50, ये 10 हो जाएगा। और अगर इस प्लेस पे देखें तो ये है आपका 70 माइनस 50 और ये आपका 20 हो जाएगा। तो अब आपको इस तरह से रो खींच देनी है इसमें,
ये आप इस तरह से यहाँ पे रो खींच देंगे, तो उस कंडीशन में अब हम इस प्लेस पे, अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया होता कि 500 ml प्रिपेयर करना है, तो हम आसानी से इसमें इस चीज़ को लिख सकते थे कि 50 पार्ट ऑफ 70% एल्कोहल, 20 पार्ट्स 60% एल्कोहल, 10 पार्ट्स ऑफ 30% एल्कोहल एंड 20 पार्ट्स ऑफ वाटर अगर हम आपस में मिक्स करेंगे तो जो हमारा एल्कोहल फॉर्म होगा वो 50% का एल्कोहल होगा। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम इंडिकेटेड नहीं है, वॉल्यूम नहीं दिया गया है कि कितने वॉल्यूम बनाना है, तो आप इसका आंसर सिंपली ये लिखेंगे 50 पार्ट्स ऑफ, ये कितना अल्कोहल है, ये है आपका 70% अल्कोहल प्लस उसके बाद में 20 पार्ट्स ऑफ 60% अल्कोहल, उसके बाद में है आपका 10 पार्ट्स ऑफ 30% अल्कोहल एंड 20 पार्ट्स ऑफ वाटर, 20 पार्ट्स ऑफ वाटर, जब हम इन सबको आपस में मिक्स करेंगे तो जो हमारा एल्कोहल फॉर्म होगा वो हमारा 50% का एल्कोहल होगा, 50% का एल्कोहल हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर उस कंडीशन में एक तरह से करेक्ट है जब हमें वॉल्यूम न जो है न दिया गया हो या वॉल्यूम आपके क्वेश्चन में न पूछा गया हो। बट अगर क्वेश्चन में यहाँ पे वॉल्यूम है तो अब हमें इसके आगे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता होगी, तो इसको हम लोग इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इस प्लेस पे बात करते हैं कि हमें जो है वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तब सबसे पहले हम लोग टोटल पार्ट्स निकालते हैं कि टोटल कितने पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टोटल पार्ट्स, तो ये 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20, ये आपका हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 100। टोटल पार्ट हमारे 100 आ गए। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग इसको जो है साफ़ कर लेते हैं, रब कर लेते हैं और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर हमें 500 प्रिपेयर करना है तो हमें कितने कितने ml इनके आपस में ऐड करने की आवश्यकता होगी। तो जब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा 70% का एल्कोहल है उसके कितने पार्ट में चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ 70% एल्कोहल इज इक्वल टू टोटल पार्ट, मीन्स जो है आपका इसका वो टोटल पार्ट है आपका 50 इंटू वॉल्यूम कितना हमें रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम हमें 500 ml प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपॉन जो हमारा टोटल पार्ट है, जो हमारा टोटल पार्ट है कितना है 100, तो हम इसको सिंपली इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका कट गया और ये आपका आ जाएगा 100, ये आपका आ जाएगा 250 ml। ठीक है, तो हमें 250 ml 70% एल्कोहल यूज़ करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा 60% एल्कोहल है उसका हमें कितना वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ 60% एल्कोहल ऑफ 60% एल्कोहल इज इक्वल टू जो हमारा ये 60% एल्कोहल है उसका कितना पार्ट है, 20 पार्ट है, वॉल्यूम हमें 500 ml प्रिपेयर करना है, अपॉन टोटल पार्ट हमारा कितना है वो 100। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आपस में कट गया और ये आपका आ गया 100 ml। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा 30% एल्कोहल है उसका हमें वो कितना वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ 30% एल्कोहल इज इक्वल टू इसके कितने पार्ट है, इसके पार्ट है 10 इंटू वॉल्यूम कितना प्रिपेयर करना है 500, और उसके बाद में जो टोटल पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आपका आपस में वो कट गया और ये हो गया आपका 50 ml। तो इसके बाद में आप अपने इसको इस तरह से भी वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू जो टोटल वॉल्यूम है ये कितना है 500। ठीक है, इसको हम लोगों को माइनस करना है विद
250 प्लस 100 प्लस ये आपका है 50, तो इसको अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो 250 और 100 350 हो गया और ये 400 हो गया, और या हम इसको कह सकते हैं कि 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 ml हमें वाटर को यूज़ करना है। तो और इसको आप एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी मेथड से, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, इसके कितने पार्ट थे, 20 पार्ट्स थे, 20 इंटू टोटल वॉल्यूम हमें कितना प्रिपेयर करना है 500, और टोटल पार्ट कितने हैं 100, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आपस में कट गया और ये भी आपका 100 ml आ गया। तो इस कंडीशन में अगर आप इस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे आप वाटर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और इस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस मेथड से भी आप वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। वो दोनों कंडीशन में जो आपका वॉल्यूम आएगा वाटर का वो जो है सेम होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि अगर 250 ml हम 70% एल्कोहल का लेते हैं, 100 ml हम 60% एल्कोहल का लेते हैं, 50 ml हम 30% एल्कोहल का लेते हैं, और 100 ml हम वाटर लेते हैं और आपस में उनको मिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा एल्कोहल फॉर्म होगा वो 50% का एल्कोहल होगा और उसका वॉल्यूम आपका 500 ml होगा। तो ये दोनों मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका कोई आपका मतलब PDF है नहीं, तो इसमें जो हमने इससे पहले इस टॉपिक पे क्लास लिया था उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और उससे आप जो PDF है उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।